लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के मूल्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बालनिकेतन पर किया प्रदर्शन। बता दें कि पूरा मामला मऊ जनपद के शहर क्षेत्र के बालनिकेतन का है, जहां पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस के मूल्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मऊ शहर के बालनिकेतन स्थित पेट्रोल पंप पर माधवेंद्र बहादुर सिंह उर्फ सोनू सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ कहा गया कि जो बढ़े हुए मूल्यों को तत्काल सरकार वापस लेने का काम करे, नहीं तो और भी हम लोग बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सरकार बदलनी है, सरकार जिंदाबाद, 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 राहुल जिंदाबाद, 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 ललित मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो, हाथ कमाने का दाम कम करो, कम करो, बेरोजगारों को भत्ता दो, भत्ता दो, भत्ता दो, अन्या गति छोड़ दो, 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 जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। कोरोना के नियम में कहीं सब दूरी बनी रहे। अपना परिचय दे दें। अनिल कुमार है, बबलू राय, कुरुपा जो संगठन प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी मऊ। आज किस तरीके का परफॉर्मेंस किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? प्रदेश की योगी सरकार भाजपा की और केंद्र की मोदी सरकार भाजपा की। इस हमारे देश में जो पूरी जनमानस कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसे समय में लगातार पेट्रोल की ऐतिहासिक जो वृद्धि हुई है, पेट्रोल का और डीजल की वृद्धि और गैस की वृद्धि के कारण खाद्य सामग्रियों का दाम जो बढ़ा है, इससे आम जन परेशान है और आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। हम कांग्रेस जन इस सरकार से मांग करते हैं कि बढ़े हुए पेट्रोल दाम, डीजल और गैस के दाम के साथ साथ जो महंगाई बढ़ी हुई है खाद्य सामग्रियों की, उसको तत्काल कम करें। अच्छा, और बढ़ी हुई महंगाई को वापस ले। अगर बढ़ी हुई महंगाई को सरकार वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी? हम लोग एक विशाल और ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर, अगर सरकार महंगाई को कम नहीं करेगी, खाद्य सामग्रियों की, पेट्रोल डीजल के दाम और गैस के दाम कम नहीं करेगी, तो हम कांग्रेस के लोग विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए बात होंगे। क्या उम्मीद है कि मतलब सरकार अपोजिशन की बातों को मान लेगी, क्योंकि सरकार का अब तक जैसा रवैया रहा है आप भी जानते हैं? ये सरकार की नीति और नियत में संदेह है, लेकिन हम लोग थोड़ा भी इसका आचरण और चरित्र बचा होगा, थोड़ी भी नैतिकता होगी, तो जनमानस की भावनाओं के कद करते हुए इस महंगाई को वापस लेगी, ये हम आशा और विश्वास करते हैं। बाबा बताएं, क्या नाम है आपका? ब्रह्मानंद पांडे। पांडे जी, बताएं कि आज कांग्रेस पार्टी जो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की और दीगर महंगाई को लेके उसकी मुखालफत में मुजाहरा कर रही है, उम्मीद है क्या कांग्रेस को कि मतलब बीजेपी इस चीज़ों को वापस ले लेगी? कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं, काम पर विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी हर गरीब की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार की नीयत में खोट है, जो जनता को धोखा देने का काम, जनता से वादा करके वोट लेकर और ठगने का काम जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी हर जनता की लड़ाई लड़ रही है और यह जनमानस में यह बता रही है कि यह वह भारत डिजिटल है जहां भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देकर गरीबों के साथ छलने का काम किया है। जो गरीबों की आवश्यकता की चीज़ है उसका मूल्य बढ़ाया जा रहा है, जो अमीरों की चीज़ है उसे घटाया जा रहा है, अमीरों के साथ दे रहे हैं। बताइए, क्या उम्मीद है कांग्रेस को कि वापस ले लेगी बीजेपी? हमारा काम है लड़ाई लड़ना, हम लड़ाई लड़ेंगे। हम विपक्ष के हैं, कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग जनता के बीच 70 साल जनता का ख्याल किए हैं, जनता के मूल्य चीज़ों का हम लोग पूरा किए हैं, ध्यान दिए हैं कि जनता की मूल्य आवश्यकता क्या है, साबुन का रेट क्या होना चाहिए, तेल का रेट क्या होना चाहिए, राशन का रेट क्या होना चाहिए, डीजल का क्या रेट होना चाहिए, पेट्रोल का क्या रेट होना चाहिए, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ छलवा की है और ठग की है। कही है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, जनता का हम लोग ख्याल करेंगे, गरीबों का ख्याल करेंगे, लेकिन ये लोग गरीबों के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, गरीबों को ठग रहे हैं और गरीबों को आए दिन लूटने का काम कर रहा है। हम कांग्रेस पार्टी
हम लोग लूटने नहीं देंगे जनता को। जनता की हर लड़ाई कांग्रेस पार्टी रोड पर आकर और जन आंदोलन के रूप में लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जय हिंद जय